भाइयों, आने वाले दिनों में इन फसलों की कीमतें बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनकी मांग ज़्यादा लगातार बढ़ रही है अन्य देशों से। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन फसलों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं और आपको अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। और नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टार्ट फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। आज बात कर लेते हैं कुछ ऐसी फसलें हैं जो 2022 का ये मध्य चल रहा है, आगे चल के इन फसलों की अच्छी खासी डिमांड होने वाली है। पहले नंबर एक में है जो खाद्य फसलें हैं, उनकी लगातार वैश्विक बाजार में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है वहाँ डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो नंबर एक पे है गेहूँ की फसल जो हमारी है, उसकी डिमांड अंतरिक्ष बाजार में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आपको पता होगा रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन मिलकर 30% दुनिया का गेहूँ बेच रहे थे, उनकी कमी हो चुकी है, क्योंकि रूस से अधिकतर देश संबंध तोड़ चुके हैं। इस कारण से जो अन्य देश थे जो रूस से खरीद रहे थे गेहूँ, अब उनकी नज़रें भारत के बाज़ार पर हैं। इसलिए यहाँ का जो गेहूँ है किसानों का, वो लगातार महंगा होता जा रहा है। जो MSP है 2018 इससे अधिक रेट पर गेहूँ किसानों का बिक रहा है अभी फिलहाल। आप जाके मंडी में नहीं बाजार में पता करिए क्या रेट चल रहा है, 400 से 500 रेट अधिक मिल रहे हैं, जो जैसे गेहूं की क्वालिटी है वैसे उनकी कीमतें मिल रही किसानों को। दूसरे नंबर के किसान वही जो हमारे तिलहन फसलें हैं जिससे हम तेल निकालते हैं, उनकी भी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि अधिकतर जो तेल होता है कोई भी मतलब 75% का वैश्विक बाजार रसिया का था, तो उनकी भी कमी लगातार होती जा रही है, क्योंकि वहाँ से लोग हट रहे हैं, कीमतें खरीद वहाँ से लोग बाजार संबंध तोड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो युद्ध चल रहा है तो उस पर और सारे देशों की नज़र अब भारत के किसानों पर है, भारत के बाज़ार पर है। इसलिए भारतीय किसानों को अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। यदि आप इन फसलों को अभी जल्दीबाजी बेचने की मत कीजिएगा, नहीं आप घाटे में जाएंगे। कुछ दिन और स्टोर कर लीजिए और बाज़ार का हाव भाव ले लीजिए, आगे चल के फिर बेचिएगा। नहीं लगता कि बाज़ार इससे नीचे जाएगा, क्योंकि इतनी सारी डिमांड बढ़ चुकी है ऑलरेडी, कि जो बाज़ार के विशेषज्ञ बैठे हैं उनको लगातार यही कहना है कि गेहूं की या अन्य फसलों की कीमतें अभी और ज़्यादा बहुत बढ़ेंगी। तो आप अभी जल्दीबाजी मत कीजिए, नहीं ये फ़ायदा सारा व्यापारियों को होगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी फसल को होल्ड करके रखिएगा और टाइम आने पर ज़रूर